ओम शांति। अज 16/9/2022 की बाणी है। बाबा आखदे ने मिठे बच्चे ये पूज्य अते पुजारी ज्ञान अते भक्ति का वंडरफुल खेल है। तुहानू फिर तो सतो प्रधान पूज्य बनना है। पातित पने की निशानी भी समाप्त करनी है। अज बाबा ने अपने बच्चों को प्रश्न पूछा, बाप जद आंदे है ता केड़ा एक तराजू बच्चों नू विखांदे है। अज बाबा दा उत्तर है, ज्ञान अते भक्ति दा तराजू जिस विच एक पुर माना पलड़ा है ज्ञान दा, दूजा है भक्ति दा। हुण ज्ञान दा पुर हलका है, भक्ति दा भारी है। हौली हौली ज्ञान दा पुर माना पलड़ा भारी हुंदा जावेगा, फिर सतयुग विच सिर्फ एक ही पुर होवेगा, उत्थे इस तराजू की जरूरत ही नहीं है। ओम शांति। रूहानी बाप मिठे मिठे रूहानी बच्चों नू ज्ञान अते भक्ति दा राज समझा रहे है। ये ता हुण बच्चे जानते हैं कि बरोबर बाप आया है अते सानू फिर तो पूज्य देवी देवता बना रहे है, जो आसुरी संपरदाय बन गए हैं। हुण ओ फिर तो दैवी संपरदाय बन रहे है, मतलब हुण भक्ति दा चक्कर पूरा हो गया। ए भी हुण पता लग्या है कि भक्ति कदों तो शुरू हुई है, रावण राज कदों तो शुरू होया है, कदों पूरा हुंदा है, फिर राम राज कदों तो शुरू हुंदा है। तुसी बच्चियां दी बुद्धि विच वंडर वर्ल्ड दी हिस्ट्री ज्योग्राफी है, बरोबर चार युग है। हुण संगम युग दा चक्कर अते ड्रामा चल रहा है। ए असी सब बच्चियां दी बुद्धि विच बैठा है। किस दी बुद्धि विच बैठा है? असी प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणा दी बुद्धि विच बैठा है। किसे दा नाम तां कहणगे ना, सिवाए ब्राह्मणा दे होर कोई नाम नहीं निकल सकदे। एक खेड ही इमे बनिया होया है। ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय इमे ये चक्कर फिरदा रहिंदा है। तुसी बच्चे हुण याद दी यात्रा सिख रहे हो अते पातित तो पावन बन रहे हो। समझाणा भी इमे हुंदा है। हुण असी राम राज दी स्थापना कर रहे हाँ तां जरूर पहले रावण राज है, ये भी सिद्ध हुंदा है। हुण रावण राज है तां झाड़ बहुत बड़ा है। हुण असी पूज्य देवी देवता धर्म दी स्थापना कर रहे हाँ अते पुराना जो झाड़ खलास हो नया झाड़ दी स्थापना हो रही है। ये भी हिसाब किताब बच्चे समझते हैं। असी खुद पूज्य सतो प्रधान सी, फिर 84 जन्म बाद तमो प्रधान बने, पूज्य तो पुजारी बने, तो फिर तो रिपीट करना पवेगा। ये तो सहज समझण दा है कि चक्कर किमें फिरदा आया है। जिमें एक्टर्स शुरू तो लेकर पछाड़ी तक पाठ बजाते हैं ना, तो यह है बेहद का राज, ज्ञान अते भक्ति का राज बुद्धि विच चंगी तरह जम गया है। असी ही पूज्य सतयुगी देवता सी, फिर असी ही सीढ़ी उतरदे पुजारी बने। रावण राज कदों तो शुरू हुआ, पूरी तिथि तारीख तुसी जानते हो। असी इमें इमें पुनर्जन्म लिता। पहले असी सूरजवंशी देवी देवता सी, फिर चंद्रवंशी बने, हुण फिर ब्राह्मण वंशी बन के फिर असी देवता बनते हाँ। हुण तुसी ब्राह्मण वंशी अते ईश्वरीय वंशी हो। तुसी सब जानते हो कि असी सब ईश्वर दी संतान हाँ, इसलिए ब्रदर्स कहिंदे है। असल विच तां ब्रदर्स हुंदे है मूल वतन विच, फिर पाठ बजाण दे लई थले आना पैंदा है। ये तां बच्चे जानते हैं। असी ही शूदर तो ब्राह्मण बन पढ़ के वो संस्कार ले जाते हाँ। सो असी देवी देवता हाँ, कल असी शूदर सी, अज असी ब्राह्मण हाँ, फिर कल असी देवता बन गए। ये राज समझाना ही हुंदा है बच्चों नू, सारिया नू सजाग करना है। बाबा आखदे ने
ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦੁਨੀਆ ਸਤਯੁਗ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ ਕਲਯੁਗ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਚਾੜ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਦੁਨੀਆ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਸਤਯੁਗ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਖੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕਾਇਦਾ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਉਤਰਦੇ ਉਤਰਦੇ 84 ਜਨਮ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਫਿਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚੱਕਰ ਫਿਰਨਾ ਹੈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ। ਆਧਾ ਕਲਪ ਹੈ ਦਿਨ ਨਈ ਦੁਨੀਆ, ਫਿਰ ਆਧਾ ਕਲਪ ਹੈ ਰਾਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਾਵਨ ਪੂਜ੍ਯ ਦੇਵਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੁਜਾਰੀ ਪਤਿਤ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤੋ ਰਜੋ ਤਮੋ, ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਜੋਗ੍ਰਫੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੂਜ੍ਯ ਅਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਖੇਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਇਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਸਤੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਹੈ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗ। ਗਿਆਨ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਵਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਬਾਬਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਦਗਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਦਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਜਦੋਂ ਸਦਗਤੀ ਦਾਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰਵਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਹੋ ਅਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਪਾਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਦੀ। ਯਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਤਮੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਈਏ, ਪਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੰਝੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖੇਡ ਹੀ ਹਾਰ ਔਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੀ ਪਾਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਾਵਨ ਤੋਂ ਪਾਤਿਤ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਧਾ ਕਲਪ ਹੈ ਗਿਆਨ ਮਤਲਬ ਪਾਵਨ, ਆਧਾ ਕਲਪ ਹੈ ਭਗਤੀ ਮਤਲਬ ਪਾਤਿਤ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਾਤਿਤ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਬਹੁਤ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਜਨਮ ਜਨਮਾਂਤਰ ਕਰਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਦੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਵਨ ਬਣੇ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਪ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਸ਼ਿਵ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ 84 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕਰੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਵਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਕਰੈਕਟਰ ਸੀ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿਗੜਦਾ ਗਿਆ। ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਗੜ ਗਏ ਹੈ। ਆਧਾ ਕਲਪ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਤਿਤ ਬਣਨ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਿਵਾਲਿਆ ਤੋਂ ਫਿਰ ਪਾਤਿਤ ਵੈਸ਼ਾਲਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਨੇ ਜਿੱਤ ਪਾ ਲਿੱਤੀ, ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ, ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਰਾਮਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਵਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗਦੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਆ ਕੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈ। ਬਾਪ ਆਏ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੈ, ਬਾਪ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਹੈ ਪਛਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਅਗਿਆਨ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੋਏ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਪ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਆਦਿ ਮੱਧਿਅੰਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੰਨੇ ਸਭ ਬੱਚੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਪ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਬ੍ਰਿਧੀ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਕਲਪ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੀ ਡਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਤਾਂ BA MA ਆਦਿ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
किन्ने मनुख पढ़ते हैं, सारी दुनिया विच किन्ने एमए पढ़ते होंगे, जो भी भारतवासी है किन्ने समय तो पढ़ते हैं, कोई टीचर बनता है, कोई की बनता है, आजीविका करते रहते हैं, अच्छा मर के ज्ञान फिर ने सिरे तो जन्म लै पढ़ना पे, उत्थे सतयुग विच एमए आदि की पढ़ाई नहीं है, ये ड्रामे विच हुण दी नूंद है, जो पढ़ते हैं फिर कल्प बाद पढ़नगे, उत्थे किताब आदि कुछ भी नहीं हुंदी, जो भगती मार्ग विच हुंदा है वह ज्ञान मार्ग विच नहीं हुंदा, भगती मार्ग विच वह पढ़ाते आए ये है जो पास्ट होया, बाप ने दस्या है कदों तो राम राज कदों तो रावण राज हुंदा है, फिर असी किवें थल्ले उतरदे गए है, थोड़ी बुद्धि विच ये सब राज चंगी तरह बैठ गया है, थानू हुण पुरशार्थ करना है ऊंच ते ऊंच बनन दा, पर रजाई विच सब एक वर्गे बन नहीं सकते, कोई तो चंगी तरह पुरशार्थ करते हैं, पावन बनन दे लई दैवी गुण धारण करते हैं, थोड़ा ईश्वरीय रजिस्टर भी है, अपनी जांच करनी है कि साढ़े विच कोई अवगुण तो नहीं है, गाँवते हैं असी निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, सब समझते हैं साढ़े विच अवगुण है, जब साढ़े विच सब अवगुण सन तो असी सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण सी, वह तो राज सी, चित्तर भी है उत्थे, ये मंदिर आदि नहीं होंगे, उत्थे भगती मार्ग का निशान भी नहीं होगा, भगती मार्ग विच फिर ज्ञान का अरिंचक मात्र निशान नहीं है, ये भी तुसी नंबरवार जानते हो, ता चंगी रीति पढ़ के धारण करते हैं, ता क्वालिफिकेशन भी आती रहती है, दिल विच आता है कि बाप जिस तो असी विश्व की बादशाही लेंदे हाँ उन्हों का किन्ना मददगार बनना चाहिए है, असी तो ईश्वरीय संतान बाप आए ही है सबनों सुखदाई बनाण, कदी कोई नू दुख नहीं देंदे, बच्चों इन्ना उच्चा बनाना है, बाबा बार बार समझाते हैं अपने कोल नोट रखो, किसी नू दुख तो नहीं दिता, बाप सबनू सुख देंदे है, असी भी सुख दईए, ये जीवन ही बाबा दी सर्विस विच लगाया है ना, बहुत मिठा बन दी कोशिश करनी है, कोई उल्टा सुल्टा बोले भी तां तुसी शांत कर दवो, सबनू सुख दो, सबनू सुख दा रास्ता दसना है तां शांति धाम सुख धाम दे मालिक बनो, सुखदाई बनना है क्योंकि बाप हमेशा सुखदाता है ना, सब दे दुख दूर कर लेंदा है, बुद्धि विच आंदा है असी बहुत सुख देने वाले सी, असी जद सुख विच सी तां विकार दा नामो निशान नहीं सी, काम कटारी नहीं चलांदे सी, सतयुग विच कोई दुख नहीं बनांदे, बाप फिर भी बच्चियां नू कहंदे है अपने नू आत्मा समझो, आत्मा नू ही पावन बनना है, आत्मा विच कोई पातित पने दी निशानी ना रहे, दिन प्रतिदिन तुसी उन्ती नू पांदे रहोगे, नंबर बार पुरशार्थ अनुसार रजाई पई सी, ओ ही हुण फिर पाउण दा पुरशार्थ कर रहे हो, वेखदे रहिंदे कि कौन कौन किन्ना पुरशार्थ करदे है, किन्नियां नू असी सुख दिंदे हां, बच्चे जानदे है कि सतयुग विच असी कोई नू दुख नहीं देवांगे, घट पुरशार्थ करनगे तां सजावां खा के घट पदवी पाउणगे, बेइज्जती हुंदी है ना, कई बच्चे तां बहुत सर्विस करदे है, म्यूजियम प्रदर्शनी विच किन्नी मेहनत करदे है, ये प्रदर्शनी म्यूजियम आदि भी वृद्धि नू पाउणगे, तराजू विच ये ज्ञान दा पासा भारी हुंदा जाएगा, एक पासे है ज्ञान दूजे पासे है भगती, ये सब भगती दा पुर माना पलड़ा बहुत भारी है, एकदम थल्ले पट पै जाना है, बहुत वजन भारी होके एकदम तले विच जा चले जाणगे, उस विच जिवें दस शेर विच ज्ञान दा एक पाओ पिया है, फिर ज्ञान दा एक पासा भारी हो जाएगा, सतयुग विच एक ही पुर हुंदा है, फिर कलयुग विच भी एक ही पुर हुंदा है, संगम ते दो पुर हो जांदे है, ज्ञान ते पुर विच किन्ने थोड़े है किन्ने हल्के है, फिर उत्थे तो ट्रांसफर हो फिर पासे भरदे जाणगे तां भगती खत्म हो जाएगी, फिर
एक ज्ञान दा पुर रह जाएगा, दो पुर होणगे ही नहीं। बाप आके तराजू विच लिखांदे है, घट ज़्यादा भी हुंदा रहिंदा है, कदे उस पासे कदे इस पासे बहुत हो जाता है। सब कुछ नया होगा, हुण देवी देवता धर्म वाले एक भी नहीं है। सी जरूर उन्हां दा राज सी, पर कदों ये भुल गए है। तुसी ब्राह्मणा दा कुल भी दिन प्रतिदिन वृद्धि नूं पांदा जांदा है, तां इवें इवें इस ज्ञान नूं मंथन करके धारण करदे रहो अते समझांदे रहो। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चियां प्रति मात पिता बाप दादा दा याद प्यार अते गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप दी रूहानी बच्चियां नूं नमस्ते, रूहानी बच्चियां दी रूहानी बाप दादा जी नूं याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। धारणा लई मुख सार नंबर एक पर, यह जीवन बाप दी सेवा विच लगानी है, बहुत बहुत सुखदाई बनना है। कोई उल्टा सुलटा बोले तां शांत रहना है, बाप समान सब दे दुख दूर करने है। नंबर दूजा, अपने रजिस्टर दी जांच करनी है, दैवी गुण धारण कर चरित्रवान बनना है, अवगुण कढ देने है, वरदान है अज दा। सवदर्शन चक्कर दे टाइटल दी समृद्धि द्वारा प्रदर्शन मुक्त बन वाले माया जीत भव। सवदर्शन चक्कर दे टाइटल दी समृद्धि द्वारा प्रदर्शन मुक्त बन वाले माया जीत भव। बाबा आखदे ने संगम युग ते खुद बाप बच्चियां नूं वख वख टाइटल दिंदे है, उन्हां टाइटलां नूं ही श्रीमत विच रखो अते श्रेष्ठ स्थिति विच सहज ही स्थित हो जाओगे। सिर्फ बुद्धि नाल रावण नहीं वर्णन नहीं करो, पर सीट ते सेट हो जाओ। जिमें दा टाइटल उमें दी स्थिति होवे। जेकर सवदर्शन चक्करधारी दा टाइटल समृद्धि विच रहे तां प्रदर्शन चल नहीं सकदा। सवदर्शन चक्करधारी मतलब माया जीत, माया उस दे अगे आण दी हिम्मत भी नहीं रख सकदी है। सवदर्शन चक्कर दे अगे कोई भी ठहर नहीं सकदा। स्लोगन अज दा, बाण प्रस्त स्थिति दा अनुभव करो अते कहो, बाण प्रस्त स्थिति दा अनुभव करो अते कराओ, ता बचपन दे खेड समाप्त हो जाणगे। बाण प्रस्त स्थिति दा अनुभव करो अते कराओ, ता बचपन दे खेड समाप्त हो जाणगे। अच्छा, ओम शांति।